1920 के दशक में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले दो स्वतंत्रता सेनानी एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म आरआरआर का विषय है। फिल्म में रामचरण, जूनियर आलिया भट्ट और एनटीआर सहित सभी स्टार कास्ट है। मनोरंजक लड़ाई के दृश्यों के साथ जो आपको अपनी सीट के किनारे पर खड़ा कर देगा, इस फिल्म के एक्शन दृश्य लुभावने से कम नहीं है। दूसरी ओर मलयालम एक्शन थ्रिलर कांतारा नितिन रिंजी पणिक्कर द्वारा अभिनीत है। फिल्म युवा दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है जो एक रहस्यमय महिला के जीवन में प्रवेश करने के बाद कई खतरनाक स्थितियों में आ जाते हैं। फिल्म में रोमांचक एक्शन दृश्य है, जैसे एक खतरनाक कार का पीछा करना और एक तनावपूर्ण गोलीबारी। निस्संदेह आरआरआर जीत गया। शैली के प्रशंसकों को केवल अपने महाकाव्य दायरे और भव्य ऐतिहासिक कथा के कारण फिल्म देखनी पड़ी। फिल्म अपने प्रभावशाली कलाकारों और विस्तृत सेट के टुकड़ों की बदौलत एक्शन शैली में एक असाधारण थी। हालांकि अन्य लोगों ने सोचा होगा कि कांतारा अधिक रोमांचक फिल्म थी। एक रोमांचक और अविस्मरणीय अनुभव, फिल्म के उन्मत्त कथानक और मनोरंजक एक्शन दृश्यों ने दर्शकों को अपनी सीट से बांध दिया। इसकी विशिष्ट सेटिंग और सम्मोहक कथानक ने फिल्म को अन्य एक्शन फ्लिक्स से अलग खड़ा करने में मदद की। यह अंततः व्यक्तिगत पसंद पर आ जाएगा कि किस फिल्म ने आपको खड़ा करना चाहा। आरआरआर और कांतारा में एक्शन दृश्य रोमांचक और रोमांचकारी दोनों हैं, लेकिन उनके तरीके और सेटिंग्स अलग हैं। कांतारा एक अधिक अंतरंग और व्यक्तिगत कहानी है जो खतरनाक परिस्थितियों में फंसे दोस्तों के एक समूह पर केंद्रित है, जो आरआरआर के विपरीत है, जो एक भव्य पैमाने और ऐतिहासिक सेटिंग का दावा करता है।